नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर यानी राजस्थान के मौसम के बारे में आगे आने वाले लगभग 3 दिनों के मौसम की जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने का प्रयास करूंगा। तो किस तरह से मौसम राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर रह सकता है, इसके बारे में भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत बात करें तो सैटेलाइट मैप के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा घनी जो बादलों की आवाजाही है वो जो है वो ख़ास तौर से उत्तर भारत के अंदर जो दिखाई दे रही है। कारण ये है कि उत्तर भारत के अंदर एक नया WD या पश्चिमी विक्षोभ इस समय जो है वो आ चुका है, और इसकी वजह से बात करें तो राजस्थान के अंदर भी बादलों की आवाजाही लगभग मध्यवर्ती राजस्थान के जिलों तक यानी आप कह सकते हैं कि अरावली रेंज के क्षेत्रों तक या अजमेर ब्यावर और आसपास के जिलों तक जो बादलों की आवाजाही है वो जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर घनी जो बादलों की आवाजाही है वो जो दिखाई दे रही है। बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अंदर किन किन जिलों के अंदर आगे आने वाले लगभग 72 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले आपको बता दूं कि खास तौर से दक्षिणी राजस्थान के जिलों के अंदर जिसके अंतर्गत बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर आगे आने वाले लगभग 48 से 72 घंटों के लिए मौसम विभाग के द्वारा जो है वो हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी का जो अलर्ट है वो जो जारी किया गया है। यहाँ पर अगर तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो दिन के समय यहाँ पर तापमान पहुँच सकता है। और इसके साथ साथ में क्योंकि WD की वजह से बादलों की आवाजाही खास तौर से उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई है, तो इस वजह से उमस का माहौल भी जो है वो इन क्षेत्रों के अंदर रह सकता है। अगर बात करें बारिश की गतिविधियों की तो ये जो WD है ये जो है वो कमज़ोर दर्जे का WD है, और इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर जिसके अंतर्गत बात करें तो गंगानगर के अंदर, इसके साथ साथ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी आपको देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर जो है वो अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी भी ज़िले के अंदर कोई विशेष तेज़ बारिश की जो संभावना है वो जो वो आगे आने वाले लगभग 48 से 72 घंटों के अंदर जो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। राजस्थान के अंदर तेज़ जो बारिश का दौर है वो जो आपको लगभग 7 मई से लेकर के और 10 मई के बीच में देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।